जीरो के रिलीज होते ही बने किरदार पर बड़ा खुलासा, जानिए कैसे 2 फुट छोटे हो गए शाहरुख। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म जीरो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में बौने बने शाहरुख खान का बुआसिन किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म समीक्षकों की माने तो जीरो की कहानी से ज्यादा दर्शक बुआसिन के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। बौने के किरदार के लिए शाहरुख को कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसका अंदाजा शायद कि किसी को हो। शाहरुख खान ने बौने बुआसिन के किरदार के लिए काफी मेहनत की है, साथ ही उन्होंने बौना बनाने के लिए बेहद खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए 5 फीट 8 इंच के शाहरुख को 4 फीट 6 इंच का किया गया। जीरो फिल्म में शाहरुख खान को बौना बनाने के लिए फोर्स्ड पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बताया जाता है कि फोर्स्ड पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल इल्यूजन बनाती है, इसके द्वारा कोई इंसान या वस्तु अपने वास्तविक आकार से छोटी या बड़ी दिखाई देने लगती है। इसके द्वारा अलग अलग एंगल में दृश्यों की शूटिंग की जाती है। खबरों की माने तो जीरो में यह सारा काम गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने करीब 450 लोगों के साथ मिलकर किया है। फोर्स्ड पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी के अलावा जीरो में शाहरुख को सीजी ट्रैकर्स की मदद से छोटा दिखाया गया है। शूटिंग के वक्त इस ट्रैकर को शरीर में लगा दिया जाता है। जो सीन शूट हुआ है उसकी मदद से टीम 3D इमेज क्रिएट करती है। इन सभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद 5 फीट 8 इंच के शाहरुख को 4 फीट 6 इंच के बुआसिन बनाया गया है। बताया जाता है कि फोर्स्ड पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी को हॉलीवुड की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर में इस्तेमाल किया जा चुका है। आपको बता दें कि फिल्म जीरो में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। फिल्म जीरो का निर्देशन आनंदेल राय ने किया है।